बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान रोहतास जिले के दावत प्रखंड से पम्मी यादव ने जिला परिषद से अपनी दावेदारी पेश करते हुए लोगों से अपना समर्थन मांगा है। पम्मी यादव ने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी दुरुस्त करना होगा। वहीं हमारे सहयोगी पीके मिश्रा ने भावी उम्मीदवार पम्मी यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा पम्मी यादव ने जरा सुनिए। हम एक गांव में है, देवड़ी गांव है। यहाँ जिला परिषद की भावी उम्मीदवार पम्मी यादव को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं पम्मी यादव से, क्या कहती हैं। एक पढ़ी लिखी महिला है, एजुकेटेड महिला है, तो आप राजनीति में क्यों? जी, मैं समाज की अनेक तरह की समस्या देखकर राजनीति में आई। अच्छा, जैसे कि स्कूली शिक्षा समस्या है जी। हम यही चाहते हैं कि जिस स्कूल में मंत्री सांसद विधायक के बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसी व्यवस्था हमारे गांव के सरकारी स्कूल में भी होनी चाहिए, ताकि सबके बच्चे को समान शिक्षा मिल पाए जी। दूसरी की नौजवान बेरोजगारों की समस्या है। सरकार, हम जानते हैं कि सरकार 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो नौजवानों की हक है वो दे। उसके पास अगर पैसा नहीं है तो कर्मचारियों को वेतन काट। तीसरी समस्या ये है सरकारी दफ्तरों की समस्या। आप बैंक में जाइए या ब्लॉक में जाइए, कोई किसी को इज्जत नहीं करता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सबको इज्जत से बोलनी चाहिए। काम तो अलग की बात है, इज्जत से बात करनी चाहिए, इज्जत से उसको बैठानी चाहिए। हम यही चाहते हैं। अस्पताल जाइए, सरकारी अस्पताल नाम की हो गई है। सरकारी अस्पताल सरकार खुलवा दी है, ठीक है, लेकिन कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। कोई भी यदि मरीज गंभीर रूप से चले जाए उसमें, तो तुरंत उसको रेफर कर दिया जाता है कि जल्दी जाइए प्राइवेट अस्पताल। यानी मुख्य रूप से आपका जो मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य है। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, आप यहाँ के महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जी, महिलाओं के लिए भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। महिलाओं को तो ठीक है, सरकार आरक्षण दे दी है, लेकिन सामाजिक रूप से कहीं भी उसको शोषण किया जा रहा है। लड़की है जो स्कूल जाने में भी असमर्थ हो रही है, देहात की लड़की, उसके साथ छेड़खानी कर दिया जा रहा है। तो ऐसे नहीं, जो गांव में व्यवस्था हो जाएगा स्कूल को, तो लड़की को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ के मतदाता यहाँ से जिता करके सदन में भेजते हैं, तो यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या योजना, कार्य योजना आपके दिमाग में? अगर जनता हमको अगर जिला परिषद की पद दे देती है, तो हम जात पात से ऊपर उठकर निस्वार्थ समाज की सेवा करेंगे, सभी लोगों की सेवा करेंगे। गांव गांव में शिविर लगाकर जनता के दुख दर्द सुनने के काम करेंगे और उसको निपटाने। नहीं तो ये तो जो भी जिला परिषद यहां से जीत के जाती है, इस तरह के आश्वासन देकर के जाती है और 5 साल बाद फिर आती है, तो जनता खाली हाथ मलती रहती है। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन जनता को देना चाहेंगे कि जो जिला परिषद वर्तमान में है, क्या उससे बेहतर आप काम करेंगे? जी, हम हर एक तरह के अलग से काम करेंगे। उस जिला परिषद से हम अलग काम करेंगे। आपके अलग योजना होगी, जो भी आप यहाँ से जीत के जाएंगे, लड़कियों की शिक्षा पर और बेरोजगारी पर और स्वास्थ्य पर और सरकारी दफ्तर पर, स्कूली शिक्षा पर आपको विशेष निगरानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं आवाज उठाऊंगी और जनता मुझे साथ देगी तो आंदोलन भी करूंगी।